हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे आपने बीएड किया हो या फिर आप डीएलएड कर रहे हैं, जस्ट आपने एडमिशन लिया है, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, क्योंकि अब सीटेट के द्वारा एक चीज है कि आपने जस्ट एडमिशन लिया है, आप एक दिन भी कॉलेज गए हो फिर भी आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं और आपका वो जो मार्कशीट होगा जो आप क्वालिफाई कर लेंगे उसकी वैलिडिटी आपकी लाइफ टाइम होगी। मतलब फिर आपको दोबारा से सीटेट देने की जरूरत नहीं है। पहले होता था कि आप पहले कंप्लीट कर लें, बट अब सारे रूल्स चेंज हो चुके हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो, आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, आने वाला जो सीटेट का फॉर्म है आप जरूर भरना, क्योंकि सीटेट जो है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। अगर आपका सीटेट क्लियर है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट में कोई भी शिक्षक भर्ती आती है वहां पर आप सीटेट के बेस पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए सीटेट काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा कि सीटेट के द्वारा जो है प्राथमिक में कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने बच्चे पास हो चुके हैं, और जूनियर वाला जो था 6 to 8 में सभी सब कुछ आया है डेटा, और पेपर 2 का रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि सिलेबस क्या रहेगा और फॉर्म जो है आपके कब से भरे जाएंगे, नया टॉपिक इस बार आपको क्या पढ़ना है, और अगर आप इसका पूरा 1 to 9 by 9 सिलेबस चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं छोटा सा रखना चाहती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं, सो दैट आपके जो क्वेश्चंस थे मैंने वहां पर उसको पुट ऑन किया है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक आप जो है डिजिटल जीके क्लासेस सर्च कर लेना। 25,000 के आसपास जो है बच्चे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर इसका पूरा डिटेल सिलेबस मैं भेज दूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम जो है, अब सुनने में आ रहा है कि सीटेट के द्वारा ही बोला गया कि 2 बार होगा, ऑनलाइन पेपर होता ही है। तो अगर आपका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि फॉर्म जो है आपको देखने को कब से मिलेगा, तो देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो है मई में चांसेस है। अगर इनको जुलाई में कराना है तो आपको इनको बताना होगा अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में। अगर नहीं बताते हैं तो वही फिर से हो जाएगा कि आपका पेपर दिसंबर में चला गया, बट दिसंबर में जाएगा, अक्टूबर से फॉर्म भरे जाने लगते हैं। पिछली बार जो है अक्टूबर से फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया था भरना, समय बहुत कम होता है। अगर आप सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे तो आप किसी भी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सीटेट का मतलब जो हम होता है ना कि स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सीटेट, ठीक है। और अब तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है। आपका दिसंबर में हो, जुलाई में हो, डज नॉट मैटर, आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस बार भी बहुत से बच्चे जो है पेपर 1 का भी पास नहीं कर पाए। सोचिए, केवल 4 लाख के आसपास बच्चे जो है पास हुए हैं, और 14 लाख के समथिंग फॉर्म डाले गए थे, फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बताने वाली हूँ कितना पेपर होता है, कौन फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले बीएड, डीएलएड, आपने बीएड किया हो, आप डीएलएड किए हो, आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों भर सकते हैं। और मैं तो यही बोलूंगी कि आपको दोनों पेपर ही भरना चाहिए। जैसे कि मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने भी दोनों पेपर ही फॉर्म जो है भरा था, ऑनलाइन ऑफलाइन, और दोनों साथ में ही तैयारी की और दोनों साथ में ही क्लियर भी हो गया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। आप चाहें तो मेरा मार्कशीट देख सकते हैं। तो देखिए, पेपर 1 में जैसा कि आपको पता है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, उसके पहले आपको सिलेबस का पता होना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो पिछली बार भी तैयारी किए होंगे, 1-2 नंबर से रह गया होगा, उन्हें तो होगा नॉलेज, बट जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें उतना नहीं समझ में आता है कि आखिर में हम सब्जेक्ट क्या ले, क्या चीजें पढ़ें। तो वही मैं आपको बता रही हूँ, पेपर 1 जो होता है वो आपका प्राथमिक होता है 1 to 5, और पेपर 2 आपका 6 to 8 होता है, ठीक है, जूनियर। अगर आप पेपर 1 क्लियर कर लेते हैं तो आप प्राथमिक के टीचर बनेंगे 1 to 5 के, अगर आप पेपर 2 क्लियर कर लेते हैं तो आप जूनियर के टीचर बनेंगे 6 to 8 के। अगर मैं इसकी कठिनाई की बात करूं तो पेपर 1 होता तो 1 to 5 का है, बट इसके जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो क्लास 8 तक आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप मैथ उठा लीजिए, चाहे आप ईवीएस उठा लो, ईवीएस में इस बार साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लास 8 तक के। तो इसीलिए जिसे भी पेपर 1 की तैयारी करनी है, याद रखना एनसीईआरटी आपको क्लास 8 तक फॉलो करना है, क्योंकि होता है ऐसा है कि मान लो 5 क्लास तक के बच्चों को आपको पढ़ाना है तो आपके पास नॉलेज 5 क्लास के ऊपर तक का होगा, तभी तो आप अपने से कम क्लास के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, इसलिए, ठीक है। वैसे ही पेपर 2 में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको एनसीईआरटी की क्लास 10 तक की बुक को फॉलो करनी होगी, स्पेशली अगर आप मैथ साइंस एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है, सीडीपी 30 नंबर का, इसमें भी सीडीपी 30 नंबर का, दोनों में सेम होता है। आपको सीडीपी, एक क्वेश्चन आता है कि सीडीपी कहाँ से पढ़े, देखो सीडीपी चाहे आप सीटेट पढ़ो, चाहे आप यूपीटेट, चाहे सुपरटेट, आपकी सीडीपी बदल नहीं जाएगी, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं पैडागोजी को, वो मैं बताऊंगी। तो 30 नंबर यहाँ पर भी, यहाँ पर भी आपको ईवीएस इसमें 30 नंबर का मिलेगा,
पेपर वन में, ये इसमें सब कुछ कंपलसरी है बस लैंग्वेज को छोड़ के। यहाँ पर आपको पेपर टू में मैथ साइंस और SST, ये मैथ साइंस पूरा 60 नंबर का मिलेगा, इसमें 30 आपके मैथ के होंगे और 30 इसमें आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे, तो ये 60 हो जाएगा। SST में भी यहाँ पर आप देखिए, इसमें भी आपको SST तो पूरा अकेले ही 60 नंबर का पूछता है। और ये लेगा कौन, देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस साइड से हो, आपने BSc किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, आपने साइंस लिया हो अगर ग्रेजुएशन में, देन आपको मैथ और साइंस वाला जो है ऑप्शन चूज करना है। और अगर आपने मान लीजिए सिंपल ग्रेजुएशन किया है, BA किया है, BCom किया है, देन आपको SST लेना होगा, ठीक है। तो ये 60-60 नंबर का पूछता है। मैथ इसमें आएगा 30 नंबर का, यहाँ का मैथ तो इसी में इंक्लूड हो गया है। जो SST लेंगे उनको इसमें मैथ पढ़ना नहीं है पेपर टू में, ठीक है, क्योंकि मैथ उन्हीं को पढ़ना है जिसका ग्रेजुएशन में साइंस है। अब लैंग्वेज है, लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू, यहाँ पर भी 30-30, यहाँ पर भी 30-30। लैंग्वेज का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, आप इसमें एकदम फ्री हैं, आपको अगर लैंग्वेज वन में हिंदी रखनी है तो हिंदी रखिए, बट याद रखना दोनों में आप हिंदी या दोनों में इंग्लिश, मतलब एक सेम लैंग्वेज आप दोनों पेपर में नहीं रख सकते हैं। आपको जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू दोनों में हिंदी रख सकते हैं, नहीं, ये कर सकते हो कि आप हिंदी इंग्लिश उर्दू, बहुत सारे लैंग्वेज सीटेट ने आप सभी को प्रोवाइड किया है, उर्दू तेलुगु जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है आप वो लैंग्वेज जो है चूज कर सकते हैं। और अगर मैं मोस्टली स्टूडेंट का बताऊं तो सब लोग लैंग्वेज वन में हिंदी रखते हैं, लैंग्वेज टू में इंग्लिश संस्कृत उर्दू या फिर दूसरी चीजें, बट लैंग्वेज वन में हिंदी जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप यहाँ पर ज्यादा गेन कर सकते हैं। लैंग्वेज वन, मेरा लैंग्वेज वन में हिंदी था, लैंग्वेज टू में इंग्लिश था। अगर आपको संस्कृत अच्छा लगता है तो आप लैंग्वेज टू में संस्कृत रख लो, या फिर आपको लैंग्वेज वन में इंग्लिश रखना है तो आप लैंग्वेज वन में इंग्लिश रख सकते हैं। लैंग्वेज लैंग्वेज दोनों पेपर का सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए 15-15 नंबर का, हर एक सेक्शन का बता रही हूँ, 15 नंबर का CDP में आपका कंटेंट बेस आएगा और 15 नंबर की पैडागॉजी आएगी। पैडागॉजी मतलब कि आप कैसे पढ़ाओगे, अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, अगर कोई बच्चा क्लास में पढ़ नहीं पा रहा है तो आप ऐसी कौन सी एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड, ये हमारा एक तरह से टीचिंग लर्निंग मटीरियल, आप क्या क्या यूज करेंगे वो होता है, ठीक है। सेम EVS में भी 15 नंबर का कंटेंट, 15 नंबर पैडागॉजी, सब में यही होता है, 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पैडागॉजी। मैथ में भी लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू में आपको पैसेज देखने को मिलता है जो कि फ्री के नंबर होते हैं, ये मैं आपको डिटेल में जब क्लासेस स्टार्ट करूंगी तो आपको लैंग्वेज और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज याद रखो, अगर आप सच में ये पेपर क्लियर करना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट आपके पास होना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस बार का जो पेपर हुआ, चाहे आप इसमें लैंग्वेज देख लीजिए, चाहे आप CDP में, इसमें भी आपको 15 नंबर का जो है पैडागॉजी, और मैथ साइंस में आपको कंटेंट पैडागॉजी पढ़ना ही है, सब में मतलब पैडागॉजी से आप भाग नहीं सकते हो, और सबसे ज़्यादा गलतियां जो है पैडागॉजी में ही होती हैं। तो आपके पास प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है ऑनलाइन, और एक इसके पहले, मतलब दो ऑनलाइन पेपर हो चुके हैं, और ये दो ऑनलाइन पेपर आपके लिए करना जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि सीटेट किस तरह के क्वेश्चंस जो है पुट ऑन करते हैं एग्जाम में, और इतने एक महीना पेपर चला है तो इससे बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके पास कुछ हो ही नहीं सकता है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप टेस्ट बुक से बाय कर सकते हैं, 16, 17, 18 तीन दिन इनकी ऑफर चल रही है। अगर इस तीन दिन के बीच में आप लेते हैं तो आपको ईयरली, आप चाहे तो ईयरली ले लो, चाहे आप लाइफ टाइम ले लो, चाहे आप मंथली ले लो, आप GKC कोड यूज कर लेना, आपको सस्ता पड़ेगा। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि नॉर्मली इनकी प्राइस 300-400 रहती है, बट अगर आज आप ये 16, 17, 18 में लेते हैं तो केवल GKC कोड यूज करने से आपको 224 रुपये पड़ेंगे एक साल के लिए। अब एक साल के लिए 224 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आप में से ही जो टेक्स्ट बुक से डेली जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपको बायलिंगुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट हर एक एग्जाम्स के मिलेंगे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, वहां से आप टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कीजिए और GKC कोड यूज कर लेना, तभी जाकर आपको इसका फायदा मिलेगा। तो प्रीवियस BSc, BSc, सुपर टेट, SSC, बैंकिंग हर एग्जाम लगा सकते हैं। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी ऑफर चल रहा है, फिर बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू सब बताया आपको, 150 नंबर का पेपर, पेपर वन पेपर टू दोनों 150 का ही होता है, 150, इसमें भी लैंग्वेज वन, इसमें भी लैंग्वेज टू, इसमें भी पैडागॉजी, मतलब पैडागॉजी सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कंटेंट वाली चीज़ें तो कर सकते हैं सही, बट अगर आपको पैडागॉजी समझ में ही नहीं आ रही है, और सारे ऑप्शंस जो चार ऑप्शंस होते हैं ना बहुत क्लोज होते हैं, ऐसा लगता है कि चारों के चारों ही सही हैं, ठीक है। दूसरा, इसका फॉर्म अगर आपका होना होगा जुलाई में तो मई तक आपको पता चल जाएगा सारी डिटेल्स, नहीं भी होता है तो दिसंबर में 100% कन्फर्म है, क्योंकि दिसंबर में ये कराते ही हैं। दूसरी चीज़ कि नया टॉपिक,
सीनेट हर बार सिलेबस को चेंज नहीं करता है, बट उनका क्वेश्चंस आप देखना, हर बार नए नए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इस बार में क्या हुआ था कि ईवीएस ने सबको बहुत परेशान किया कि ईवीएस में कोई साइंस पढ़ के ही नहीं गया था। बहुत से लोग केवल पेपर वन भरते हैं या फिर वो कभी मैथ साइंस पढ़े ही नहीं होते हैं, तो इस वजह से ईवीएस में काफ़ी दिक्कत हुई थी, क्योंकि 8 क्लास तक की साइंस पूछ ली गई थी, जो कि पहली बार हुआ। और भी नए नए टॉपिक, एक नया टॉपिक आपसे ये पूछा जाएगा, एनसीएफ 2023। इसीलिए मैंने लिखा एनसीएफ 2023 अभी आया है और सीटेट इसको एग्जाम में जरूर शामिल करेगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड आती है, चाहे एनएपी हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीटेट हर बार वो अपने सिलेबस में मेंशन तो नहीं करता है बट पूछता जरूर है। तो ये एनसीएफ 2023 अभी जस्ट आया है, ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, 10 दिन आई थिंक। मैं आपको ये अपने चैनल पर पढ़ा दूंगी पूरा एनसीएफ 2023, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जरूर आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी है, आपने बीएड किया है, अच्छा बीएड का क्वेश्चन आता है कि हम तो बीएड कर रहे हैं, क्या हम पेपर वन भरेंगे? यस, आपको किसी ने बाहर नहीं किया है, आप पेपर वन भी भरो, पेपर टू भी भरो। डीएलएड वालों का भी क्वेश्चन आता है कि क्या हम पेपर टू भर सकते हैं? यस, आप भी भर सकते हो, आप भी दोनों पेपर भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि डीएलएड वालों को लगता है कि वो केवल प्राथमिक के ही टीचर बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप जूनियर के भी टीचर बन सकते हैं। जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश में जूनियर भर्ती परीक्षा हुई तो आप वहाँ पर सीटेट का पेपर टू का सर्टिफिकेट लगा कर भी अप्लाई कर सकते हैं और आप 6 to 8 के टीचर बन जाएंगे, ठीक है। अब वो बस यही होता है कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप इसका एकदम लाइन बाय लाइन सिलेबस चाहते हैं वो भी बताइएगा। सीटेट का पेपर ऑनलाइन होता है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।